आपके सामने आज लाए हैं लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शो, जिसका नाम है अंदाज जरा हटके। अंदाज जरा हटके में अब आप लोगों की मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जो लोग अपने अंदाज से, अपने कार्यों के द्वारा लोगों के अंदर एक अलग प्रतिभा और अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इसी सिलसिले में हम आपको आज मिलवाएंगे जय कुमार ग्रुप, जो कि जादूगर की दुनिया में किसी पहचान या किसी नाम की उनको जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएंगे दर्शकों को कि किस प्रकार से आपने जादू सीखा और कैसे आपके मन में विचार आया। असल में बचपन से ही हमें थोड़ा सा अलग हटके कुछ करने का एक मन में था, और लगभग सन 1990 में हमारी मुलाकात हुई। बहुत मशहूर जादूगर थे हमारे गुरुजी मदन कुंडू जी, मैं उनके साथ बचपन से ही रहा। उसके बाद 7-8 सालों तक उन्हीं की सेवा करके फिर उन्हीं के साथ हमें देश विदेश जाने का भी मौका मिला, जिसमें हमारे जय कुमार ग्रुप की हमारे बड़े भाई विशाल जी भी साथ में थे, और पूरी की पूरी टीम के साथ हम लोग जापान गए, कोरिया गए, कई देशों का हम लोगों ने कार्यक्रम किया कई देशों में जाके, और बस ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई हमारे जादू की। जी, मैं जादूगर विशाल हूँ, और जादू में आना मेरा हुआ, असल में हमारे यहाँ एक वर्कशॉप थी, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, तो मदन कुंडू जी हमारे पास आए थे, कुछ उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट बनवाना था कुछ, तो उनसे मुलाकात हमारी हुई, क्योंकि इंजीनियरिंग में बचपन से ही मैं रहा हूँ, मेरे पापा इंजीनियर थे, तो मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें, नायाब चीज़ें मैंने उनको बना के दी, फिर बस वो सिलसिला आज तक जारी है। तो बहुत सारे नए नए जादू हम लोग ईजाद करते हैं, हम और ये दोनों एक ही, बिल्कुल मैं ए सोचता हूँ तो ये बी तुरंत सोच लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों की जोड़ी है बहुत पुरानी, और जादू हम लोगों के रगों में बहता है। जी जी, ऐसा कोई मैजिक है जो राह चलते जो आप कभी भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जादूगर के पास कुछ ऐसी बटन वाली चीज़ होती, बटन दबाया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी भी चीज़ से जादूगर किसी भी चीज़ से जादू कर सकता है। जैसे कि ये मान लीजिए रुमाल है मेरे पास, ठीक है ना, तो इस रुमाल से भी जादू हो सकता है, सिंपल सा रुमाल है, इसको लिया और लेने के बाद में गोल गोल किया, ठीक है, हाथ ऐसे करके इसमें एक नॉट लगा दी, अब नॉट लगा के फूक लगाते हैं तो नॉट खुल जाती है, लेकिन आम आदमी ये चीज़ नहीं कर सकता, हम लोग कर लेते हैं। एक आपको और लेटेस्ट जादू दिखाता हूँ मैं, जो कहीं पर भी हम इसको दिखा सकते हैं। भाई साहब आप एक मिनट के लिए मेरे पास आएंगे, एक मिनट आएंगे, आपके पास कुछ रुपया कॉइन कुछ है, एक मिनट मुझे दीजिए, किसी भी चीज़ से जादू, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल सामान होता है जादू के लिए, ये 10 का नोट, ठीक है ना, 10 का नोट, एकदम कड़क 10 का नोट, पकड़िए आप इसको, अच्छा थोड़ा सा माइक को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए बस, ओके, मेरे पास भी कुछ पैसा होगा, ये आपका नोट है और मेरे पास भी होगा रुपया, तो मैंने निकाल लिया है, मेरे पास है इत्तेफाकन आपसे डबल 20 का नोट, ठीक है ना, ये 20 का नोट है, बिल्कुल कड़क एकदम बढ़िया 20 का नोट, ठीक है, अब ये 20 का नोट ऐसे फोल्ड किया, लाइए मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, ये ऐसे फोल्ड किया, ठीक है ना, अपना हाथ ऐसे कीजिए, ये वाला हाथ ऐसे लाइक दिस, ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए ठीक से, ठीक है, बस अभी करना यह है मुझे, आपके हाथ में दोनों रुपये हैं, 10 का नोट भी 20 का नोट भी, मैं आपके हाथ से एक नोट निकालूंगा, हो सकता है वो 10 का हो तो 20 का आपका हो जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है कि मैं मेरा घाटा हो जाए, हो सकता है मेरा फायदा हो जाए, देखते हैं, एक नोट निकालूंगा, मेरे दोनों हाथ खाली, ठीक है ना, दोनों हाथ खाली, थोड़ा सा ढीला करो, थोड़ा सा ढीला करो, थोड़ा सा ढीला करो, हल्का सा ढीला, बस 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 बस, बंद कर लो मुट्ठी, बंद करो, आपके हाथ में 1 रुपया है अभी, एक नोट है, एक नोट है, 10 का नोट मेरे पास आया, ठीक है ना, 10 का नोट मेरे हाथ में है, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, अभी मेरा घाटा हो रहा है, इधर आ जाओ, इधर वाला उधर जाओ, खोलो, खोल के देखो, 10 रुपये तो मेरे पास थे ना, हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरे पास 20 ही रुपये हैं मेरे वाले, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है जादू, तो आप उसको रख लीजिए, ठीक है, तो
जादू किसी भी चीज़ से हो सकता है, जादूगर असली होना चाहिए। बहुत सारे शौकिया जादूगर भी होते हैं, लेकिन उनको किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। तो जादू बहुत बड़ी कला, जैसा कि विशाल जी ने बताया कि जादू बहुत ही पुरानी कला है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जादू की शुरुआत हमारे ही देश से हुई, हमारे भारत देश से, और आज विदेशों में बहुत ऊंचे पे यह जादू पहुंच चुका है। बहुत बड़े बड़े जादूगर अमेरिका में, डेविड कॉपरफील्ड, फ्रांस जरारे, वो बहुत बड़े बड़े शो कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आज की डेट में अगर हम ये चाहें कि हम कोई भी चीज़ गायब करके दिखाना चाहें, कोई बिल्डिंग या किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए 10 जगह की परमिशन वगैरह लेनी होती है। शायद ये बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है। तो थोड़ा सा अगर सरकार की तरफ से और पब्लिक का थोड़ा सा सहयोग मिले, तो ये कला बहुत ही ऊंचाई पे जा सकती है। और हम लोग लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, आज यहाँ पे करने का मौका मिला है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पर जादुई झांकी दिखा रहे हैं, क्योंकि जादू और धर्म का बहुत ही पुराना रिश्ता है। 5000 साल पहले महाभारत काल में भी जादू होता था। एक इल्यूजन क्रिएट किया था जो हमारे भगवान विश्वकर्मा थे, उन्होंने पांडवों के लिए एक महल बनाया था जिसमें इल्यूजन था, दृष्टि भ्रम था, जल में थल और थल में जल का आभास होता था। तो जादू बहुत ही पुरानी कला है, और ये धर्म से भी जुड़ी हुई है। देवता लोग चमत्कार करते थे, और हम लोग थोड़ा सा उसी का रूप जादू में प्रयोग करते हैं, और उसी के बहाने लोगों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। अभी आपने देखा जादूगर जय कुमार ग्रुप। आगे देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तरुण प्रवाह न्यूज़।